नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिहार। आज है 7 अगस्त। पेश है आज की प्रमुख खबरें। अनलॉक 5 आज से लागू, लेकिन 9वीं और 10वीं की कक्षाएं सोमवार से ही। कोचिंग संस्थानों को भी 50% उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति। जेडीयू अध्यक्ष के रोड शो में कोरोना प्रोटोकॉल ध्वस्त। दिल्ली से लनसिंह पटना पहुंचे तो सड़कों पर लगा जाम। 2 घंटे की शो में कहीं नहीं हुआ गाइडलाइन का पालन। बिहार कैबिनेट में 19 एजेंडों पर मुहर। एक मुश्त रोड टैक्स जमा करने पर नहीं देना होगा जुर्माना। NH84 के चौड़ीकरण के लिए भी दी जमीन। CBSE 10वीं के असंतुष्ट स्टूडेंट करे शिकायत। बिहार में बढ़ते बवाल के बाद बोर्ड ने जारी किया सर्कुलर। CBSE के 10वीं के रिजल्ट के बाद बिहार में बवाल मचा है। स्कूलों में तोड़फोड़ के साथ टीचरों की पिटाई हो रही है। इसे देखते हुए बोर्ड ने संज्ञान लिया है और शिकायतों के समाधान के लिए पोर्टल लाने की बात कही है। मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान बोले, चाचा पारस ने पीठ में घोंपा है खंजर। साथ ही बिहार में मध्य अवधि चुनाव का किया दावा। अपराध, शराबबंदी और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर बोला हमला। पटना में अपराधियों का बोलबाला। बाइक सवार अपराधियों ने खेमनी चक के 62 साल के व्यक्ति की कर दी हत्या। कंकड़बाग के अशोक नगर में भी चली गोली। बिहार पुलिस में नवनियुक्त सिपाहियों की ट्रेनिंग, 9 से 11 हजार से अधिक की होगी ट्रेनिंग। इनमें से 1 हजार वैसे सिपाही भी हैं जिसकी ट्रेनिंग नहीं हो पाई है पूरी। वैशाली में निजी फाइनेंस कर्मी की हत्या। बैकहॉप अपराधियों ने फाइनेंस कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। आंख के पास गोली लगने से हुई मौत। कोरोना टीकाकरण के लिए मेगा कैंप लगेंगे। पटना जिले के 6 नगर निकायों में आज हो जाएगा 100% पूरा। बिहटा में अपराधियों ने दवा व्यापारी को मारी गोली। घायल अवस्था में अस्पताल में किया गया भर्ती। गोलीबारी की घटना को अंजाम देने के बाद पिस्तौल लहराते हुए फरार। बिहार में 116 वर्षों के बाद होगा मंदिरों का सर्वे। हटेगा अवैध कब्जा। जमीन के मालिक बनेंगे खुद भगवान। केवल पटना में 378 मठों देवालयों की जमीन की होगी जाँच। संभल कर करे पटना में लेट नाइट ऑटो का सफर। दानापुर से पटना जंक्शन जाने के लिए MIT पुणे के स्टूडेंट ने लिया ऑटो। स्टेशन की जगह गर्दनी बाग ले जाकर कर ली लूटपाट।